कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बुलंदशहर के सियाना पहुंचे बसपा के पश्चिम यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राय ने भाजपा और सपा पर जमकर जुबानी बाण चलाए। शमसुद्दीन ने कहा कि 2012 में सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा से गठबंधन कर लिया था, क्योंकि दोनों दल जानते थे कि अगर बसपा आगे भी सत्ता पर काबिज रही तो यूपी से अन्य दलों का सफाया हो जाएगा। रायन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ चार लोग नजर आते हैं, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। शमसुद्दीन बोले, भाजपा हिंदू की बात करती है और सपा मुस्लिम की बात करती है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती फकत एक ऐसी नेता है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने संदेश पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर संदेश दे दिया था कि इस प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाने का काम करती है और उसकी मिसाल 2007 से 12 के बीच में आपको दिखी होगी। आज जिस प्रकार यहाँ हम आए हैं, एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मौजूद हुए हैं, आज यहाँ सियाना विधानसभा में प्रभारी के रूप में और प्रभारी के साथ साथ जब नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव जब यहाँ होगा, तो यहाँ का प्रभारी प्रत्याशी भाई पंडित सुनील भरद्वाज जी को यहाँ घोषित किया गया है। माने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार मैं उन्हीं का संदेश लेकर आए थे और संदेश हमने आपके बीच में सुनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी वो रीढ़ है, जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती, दिखती नहीं है और काम पूरे शरीर को संभाले रहती है, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी है कि दिखती नहीं है लेकिन पूरे अपने मिशन और मूवमेंट को, अपने नौजवान को, अपने वर्कर को संभाल के रखती है और हर तरीके से आवाज़ बुलंद करती है। देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब 2012 में अखिलेश जी चुनाव रथ यात्रा निकाल के गए, जैसे अभी निकाल रहे हैं रथ यात्रा, पहले उन्होंने कहा था किसानों से कि हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे और तुम्हारा लाइट पानी हम फ्री दे देंगे। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया 2012 से 17 के बीच में, ना ही कर्जा माफ़ हुआ, ना ही लाइट पानी फ्री दी। दूसरे नंबर पर उन्होंने नौजवानों से कहा था हम बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देंगे, किसी नौजवान को रोजगार और बेरोजगारी नहीं दिया। फिर मुसलमानों से कहा था कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे, आप बताओ किस मुसलमान को 18%? केवल झूठ बोल के सरकार बनाने का काम फार्मूला समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश जी ने किया था। पत्रकारों से वार्ता करते हुए रायन ने दावा किया कि यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा 250 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। गौरतलब है कि पश्चिम यूपी तथा उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन रायन, सियाना विधानसभा प्रभारी सुनील भारद्वाज द्वारा आयोजित कराया गया एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बुलंदशहर के सियाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये तमाम बातें कहीं। टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। गाँव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।